अरे बैठ गया। ओपी कराई मोकिश ने कराई। कि मैं ये दिल दे तो दूं किसी और को, पर सुना है वो अभी भी मेरे लिए कवारी है एक पगली जिसका सावन सोमवार का बरात अभी भी मेरे लिए जारी है। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो यार आज इस गेम प्ले में किल कम है पर जितने भी हैं परमाणु बम हैं, मतलब बम ही बम से पेला हूँ भैया। तो वीडियो को पूरा देखना काफी मजे टाइप का आएगा, पर फिलहाल हम उतरे मिलिट्री बेस तो खत्म करते हैं के सारे केस। देखो यार कैसे यार यहाँ उतरते ही मैं दो बंदों को नोक कर देता हूँ। एक का नाम नहीं पता पर दूसरे का नाम दुखी आत्मा था। फिलहाल अब M4 में सिर्फ 10 ही गोली बची हैं, लेकिन अगर हीरो बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैं 10 गोली लेके आगे जाता हूँ। और फिर वॉच आउट, आई गॉट सप्लाइज। मैं कर लेता हूँ बन वर्सेस 4 अकेले, और थोड़ा बहुत स्नाइपिंग करना भी आता है, पर जब चलाता है फौजी M4 ग्लेशियर तो पूरा सर्वर बर्फ का बन जाता है। अब देखो सच बताऊं तो यहाँ पर मैं कहने वाला था कि पूरा सर्वर हिल जाता है, पर मैंने कह दिया कि पूरा सर्वर बर्फ का बन जाता है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कल भैया एक बंदे ने कमेंट किया था कि फौजी तुम में बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, तुम हमेशा सर्वर हिलाने की बात करते हो। तो मैं उससे कहना चाहूंगा, बच्चे हो क्या बे, मैं शायरी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बोलता हूँ, तो भैया उसे एंटरटेनमेंट पर्पस से सुना करो, ईगो में क्यों लेते हो। और हाँ, एटीट्यूड जो कल था वही आज है, जिंदगी ऐसे जियो जैसे बाप का राज है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जहां पे आप डेली के डेली 1000 रुपए तक कमा सकते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो इस ऐप का नाम है रियल गोल्ड, जहां पे आपको डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करते ही मिल जाएंगे 136 रुपए, और यहां से आप मिनिमम 130 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो और कम से कम 500 रुपए तक डेली कमा सकते हो। अब आप बोलोगे फौजी भाई कमा तो लिए पर इसको निकालेंगे कैसे, तो भैया पेटीएम UPI या बैंक अकाउंट से फटाफट निकाल सकते हो यार, विड्रॉलिंग सेवा बहुत ज्यादा फास्ट है। और यहाँ पे आपको VIP बोनस भी मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने फ्रेंड को ये ऐप रेफर करना पड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप यहाँ से 1 ग्राम तक गोल्ड भी खरीदते हो तो आपकी वीकली अर्निंग 1236 रुपए तक हो सकती है। और यहाँ पे रेफर 7 लेयर की होती है, और हर एक लेयर में आपको 3% तक का बोनस मिल जाएगा। और इस ऐप में कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगता क्योंकि ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, तो फटाक से डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरे कहाँ भाई, बारह लाख लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और उनके प्यार से आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं, और जो मार सके फौजी सीजे को पबजी में ऐसी गन अभी तक बनी नहीं। खैर 12 लाख अभी हुए नहीं है, पर अगर आप लोग लाल बटन में ऐसे प्यार से क्लिक कर दोगे तो हो जाएंगे, तो प्लीज करवा दो यार फटाक से। फिलहाल देखो यार मिलिट्री बेस में ओनली 6-7 बंदे उतरे थे, तो इन सब की मैं पेटी बनाता हूँ और फिर लूटा लाटी करके सीधा स्कूल अपार्टमेंट की तरफ आता हूँ, और यहाँ आते ही देखो क्या होगा। अरे जरूरी है, मर गए लो। अरे नहीं मार दे, यहाँ ऊपर में पड़ा हूँ, मारो। तो यार यहाँ आते ही मुझे बाजू वाली बिल्डिंग से गोलियां चलने की आवाज आती है, यानी कि दो टीम के बीच में मुठभेड़ चल रही है। तो मैं बिना किसी देरी के सीधा छत में जाता हूँ, और यहाँ आते ही मुझे सामने तरफ एक सम्मुख दिखता है, तो मैं तुक्के में एक बम फेंकता हूँ और देखो यार इससे क्या होगा। बोलो जय जय श्री राम। बिस्तर के ऊपर बिछाते हैं चादर, बोलो बाबा बाबा। कि बिस्तर
घर के ऊपर बिछाते हैं चादर, इन बंदों के साथ किया मैंने सरप्राइज मदर फादर। मजा आया ना? बस ऐसा ही मजा मैं आपके फैमिली मेंबर और दोस्तों को भी देना चाहता हूँ, तो उनको शेयर कर दो यार प्लीज। गजब तू भी बाज आदमी हो, करते कैसे हो ये सब? तो यार इस बिल्डिंग में तीन बंदे होते हैं, तीनों की मैं पेटी बना देता हूँ, तो कैसा लगा ये क्लच कमेंट बताना साथ। वैसे नहीं भी बताओगे तो चलेगा, पर फिलहाल यहाँ से लूटा लाटी करने के बाद हम लोग काफी देर तक पेट्रोलिंग करते हैं लेकिन हमको कोई नहीं मिलता। लेकिन जब मैं इस तरफ आता हूँ तभी मुझे ट्रिपल हाउस में एक गाड़ी खड़ी हुई दिखती है और देखो आप क्या होगा। नेड मोली भर दो, शील्ड बना दो, देखना कोई राइट लेफ्ट से रिवाइव बंद हो वहां पे। नॉक किया, जला उसको, रिवाइव तो होने देते। अरे बेटा तुम करते रहो कैंपिंग पर हम भी अपना रास्ता मोड़ेंगे नहीं, और फौजी सीजे का एक ही नियम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यार इन बंदों को मैं मौली से जला देता हूँ, अलग ही लेवल का खेलता हूँ यार कभी कभार में। खैर इनको निपटाने के बाद फिर से मैं बंदों को ढूंढने आगे जाता हूँ, और जैसे ही सकोड हाउस के पास आता हूँ तभी मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं बोलता हूँ कि यार इस बार स्नाइपिंग खेलेंगे, एडब्ल्यूएम काय के लिए रखे हैं, इसलिए मैं दूर ले जाता हूँ गाड़ी और देखो आप। जाइए नीचे आ गया, देखिए नीचे जा रहा है। वो जीने पे खड़ा है, फौजी यहाँ से एंगल मिल रहा है, जीने पे उसके पैर दिख रहे हैं, ये अभी भी दिख रहे पैर उसके। अरे अब बताओ, मानते हैं खोपड़ी में हेलमेट पहनते हैं, छाती में बेस्ट लपेटते हैं, पर इस बंदे ने पैर में ऐसा क्या पहना था जो दो दो एडब्ल्यूएम के बॉडी शॉट खाने के बाद भी नॉक नहीं हुआ? कोई बात नहीं फौजी। अरे क्या कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है यार हमेशा। पापा की परी होती है बेटी, हवा में नोक हवा में पेटी, याद रखना परियों मैं भी हूँ अपनी मम्मी का परा, उड़ जाएगा तुम सबका डिस्प्ले अगर अब्बी के अब्बी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो यार फाइनली मैं बंदों की पेटी बना देता हूँ, तो अगर अभी तक का ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल वहां से मैं सीधा इस तरफ आता हूँ और तभी मुझे ये अजीब सी चीज दिखाई देती है, और कसम से ये चीज मैंने सिर्फ कोई मिल गया वाली पिक्चर में देखी थी, वो जब जादू तो रहा ना उस एलियन यान से। तभी ओ भाई ओपी ओपी कहां पे नॉक है, दो दो नॉक है फौजी, पर दोनों को देख के किल उठाइएगा। हां ये नॉक आपका है क्या? मैंने फिनिश। अब वहां पे सिर्फ दो बंदे नॉक थे लेकिन मैंने पेटी सिर्फ उसकी बना पाई जिसको मैंने नॉक किया था, और जो उसके बाजू में था वो ऑटोमेटिक मर गया। खैर मुझे लग रहा था कि वो लोग नॉक हैं, यानी कि यहाँ पे दो टीम हैं, तो मैं सीधा यहाँ आता हूँ। पर फिर पता चलता है कि उनको नॉक ये बड़े से लौंडे ने किया था, तो मैं बोलता हूँ कि यार देखो वो हमको भी ना निपोड़ दे, इससे पहले यहाँ से निकल चलो, इसलिए हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करके निकल जाते हैं, और जैसे ही इस तरफ आते हैं तभी राइट में गाड़ी रुक गए रुक गए मार्क्ड लोकेशन, वो इसी साइड बैठा पीट कर दे। अरे बैठ गया ओपी, मौके से नगर आई पोजीशन मेरे पास नहीं, पूरा एंगल है। तुम पहले सर बोलना छोड़ो तब तुम्हारी बात मानेंगे। मेरा रैक वाले पेड़ के पास, वाले पेड़ के पास
ये लो इधर शील्ड बनाई थी मैंने। एनिमीज अहेड। वो बंदा पेड़ पे है। इसी पेड़ पे लोकेशन। नेड करिएगा। मैंने एकदम एंगल पे लेकिन मैं मार नहीं रही हूं, ठीक है? पैर दिख रहा, पैर मारूं? लेवल 3 पहना है। नहीं नहीं। अब स्क्रीन में जरा आप ध्यान से देखो तो किल हो चुके हैं 17, और जब जब किल हो जाते हैं 17 तब तब हो जाता अपने साथ खतरा। तो सिर्फ इसलिए मैं आगे नहीं जाता, वरना मैं उस बंदे को घुस के मार देता। साला ये 18 कैसे हो गए? खैर देखो, नहीं घुसने का प्लान बनाए हैं तो हम नहीं घुसते, दूर ही से मारेंगे, ठीक है? जानबूझ के साइड में उस तरफ हो गया। अरे वो लेता है, यहां पे खड़े होके दिख रहा है। लो मैं आके शील्ड बना रहा हूं, आप खड़े होके मार देना। भाई मुझे तो दिख रहा है। आओ। अरे वाओ यार, हो रही है बेबी धीरे-धीरे मोटी, पता नहीं आजकल क्या खाती है। और बेटा जब चलाता है फौजी होम तो बंदों की फटके हाथ में आ जाती है। तो यार फाइनली मैं सांप की भी पेटी बना देता हूँ, और अब बचे इस मैच में सिर्फ 4 बंदे। तो मैं सोच रहा था कि उन 4 की किल मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। और तभी ऋतु को एक बंदा दिखता है। काय करना माना होगी, मेरी शील्ड खत्म हो गई। उसको किसी और ने मार दिया। अरे यार, पर जैसे ही उसको वो बंदा दिखता है तो उसको कोई और ही मार देता है। साला पनौती किस्मत लेके आया हूँ यार मैं। चढ़ा दो साले ये बात। अरे ये टॉप आरपी है, आईजीबी पैक्स ये है, ये टॉप आरपी। और ये टॉप आरपी वाले ने यार एक नहीं दो दो किल चुरा ली। कसम से पूरा मजा करकरा कर दिया इस मैच का, इतना अच्छा चल रहा था। खैर मैं इसको मन ही मन गाली दे रहा था, उतना ही मेरे तू ये कहती है। इधर आना मेरे पास, आखिरी बंदा मेरे पास है। मैं फीलिंग कर देता हूं। तो ऋतु को देखता है एक बंदा, तो मैं बोलता हूँ कि भैया इसको मारेंगे हम बहुत गंदा। तो क्या मैं उसको बहुत गंदा मार पाऊंगा, जानने के लिए देखते रहिए फौजी सीजे गेमिंग। रियल वाईटी है ना क्या? डैमेज मार दीजिए, मत नेड कर रहा है। मार दीजिए। अरे एक और नेड आया लेफ्ट में। अरे गजब यार, नाइस भाई। जिंदगी है छोटी, करना कुछ बड़ा है, नहीं ले पाएगा टक्कर सामने फौजी जो खड़ा है। तो यार फाइनली इस बंदे को निपटा के हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने एक दोस्त को शेयर कर देना, क्योंकि कर भला सो हो भला। तो मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।